हे hey, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लोजिंग करने के बेहद ही कारगर तरीके। अगर जिसको आपने यूज़ किया तो आपके हर एक प्लान के बाद क्लोजिंग आएगी ही आएगी। तो दोस्तों, आप जब भी आगे से प्लान दिखाओगे, प्लान दिखाने के बाद आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ये चीज़ें ज़रूर ही बतानी हैं, ठीक है? तो दो पार्ट में है। पहले तो मैं कॉमन क्लोजिंग बताऊंगा, कॉमन क्लोजिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बाइनरी प्लान में हो तो कितने आसानी से आप सामने वाले को कन्वेंस कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजभूषण, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों देखो, आपने प्लान दिखा लिया, अब आपको अपने दोस्त को क्या बताना है वे मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने दोस्त को बताना है कि आपने उसको पूरा प्लान 100% समझाने के लिए ट्राई किया है, पूरी पूरी कोशिश की है, मगर साइंस क्या बोलता है कि पहली बार ह्यूमन माइंड में केवल 45% चीज़ें ही ट्रांसफर होती हैं। जी हाँ, अब अभी इसको मान लो उसके दिमाग में 45% चीज़ें हैं। अब वो घर तक पहुंचेगा, ठीक है, मेट्रो में जाएगा, बस में जाएगा, कैब में जाएगा, बाइक पे जाएगा, तो शाम तक या कल सुबह तक घर पहुंचते पहुंचते उसके पास 10% ही इन्फॉर्मेशन बचेगा। अब वो 10% इन्फॉर्मेशन लेकर अगर वो अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को या किसी भी अनजान आदमी को बताता है, समझाने का कोशिश करता है, तो केवल समझा पाएगा 2%। और 2% अगर वो खुद समझा पाएगा तो उसके दोस्तों कितना समझ में आएगा? 0%। तो दोस्तों, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ये समझाना है कि हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। हो सकता है वो अपने फील्ड में बहुत ही चैंपियन हो, मगर ये प्रेजेंटेशन या फिर जो भी आपने उसको प्लान बताया है वो बिल्कुल नया है उसके लिए, तो वो अपने से किसी भी दोस्त को समझाने के लिए ट्राई नहीं करेगा। उसको क्या नहीं करना है, उसको कभी भी अपने दोस्त को ये नहीं बताना है कि ये प्रोडक्ट इतने रुपए खरीदना है, इतना इन्वेस्टमेंट है। कभी भी उसको कंपनी का नाम नहीं बताना है कि वो किस कंपनी का प्लान है, या फिर अपने दोस्त को वो सीधे बोल दे कि मैं तो इस कंपनी का प्लान देख कर आया था, एक्स वाई जेड कंपनी का। उसको कभी भी खुद से लेफ्ट राइट या फिर जनरेशन प्लान खुद से उसको नहीं बताना है, खुद से करके। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलोगे कि उसको केवल एक आसान सा काम करना है, चुप रहना है, बताना समझाना कुछ भी नहीं करना उसको, बताना समझाना सब कुछ आपका काम होगा। जो प्लान दिखा रहा है वही उसके भी दोस्त को प्लान दिखाएगा जैसे कि अभी उसको प्लान दिखाया जा रहा है, वो खुद से नहीं करेगा। तो प्रश्न ये आता है कि अगर वो खुद से नहीं बताएगा किसी को तो कैसे उसका टीम साइज आगे बढ़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल है, आइए देखते हैं तो आगे कैसे होगा। तो दोस्तों, आपको उसको ये समझाना है कि उसके पास ड्रीम्स होने चाहिए या फिर उसके पास रीजन होना चाहिए कि उसको अपने जॉब के साथ, अपने पढ़ाई के साथ, अपने बिजनेस के साथ कुछ और काम क्यों करना चाहिए, उसके ड्रीम्स होने चाहिए। दूसरी चीज़, उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आपने प्लान के बाद क्लोजिंग में दिखाया भी होगा, टेस्टिमोनियल लोगों के, कुछ लीडर्स के भी नाम दिखाए होंगे, तो इतने लोग कर रहे हैं तो वो भी कर सकता है। तीसरी चीज़, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और उसको एक बार परचेज करना है प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बाद एक लिस्ट बनानी है 10, 20, 30, 50 लोगों की, और बारी बारी से उसको आपसे मिलवाना है। जैसे वो खुद मिलने आया है वैसे ही वो अपने दोस्त को मिलने के लिए बुलाएगा, और वो अपने दोस्त को किस तरह का बुलाएगा, क्या कह के बुलाएगा, इसकी अलग से उसकी छोटी सी ट्रेनिंग होगी जो आप करोगे प्लान दिखाने के बाद। तो उसको साफ साफ आपको ये समझाना है कि उसको खुद से नहीं करना है, क्योंकि जो सबसे कठिन काम है वो है कन्विंस करना, वो आप जो सबसे कठिन काम है किसी को कन्विंस करना वो आप करोगे दोस्तों, और जो सबसे आसान काम है अपने दोस्त को बुलाकर इनवाइट करके सामने बिठाना वो उसका काम होगा, वो भी सीखने के बाद। तो जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को ये बताओगे तो आराम से कन्विंस हो जाएगा कि हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो खुद समझाना ही नहीं, नहीं तो मैं कैसे समझाऊंगा इतनी सारी चीज़ें। तो वो दोस्तों आपको अपने प्रोस्पेक्ट से या अपने फ्रेंड से मिलवा देगा, तो वो हैप्पी हो जाएगा। अब आइए दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, जो मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आपका प्लान बाइनरी है तो कितनी आसानी से आप किसी भी दोस्त को कन्विंस कर सकते हो प्लान ज्वाइन करने के लिए। जैसे मैं जिस कंपनी में हूँ, नेस्विज रिटेल्स लीडिंग कंपनी है इंडिया का, उस कंपनी में हम लोग बाइनरी प्लान है हमारा। तो बाइनरी प्लान क्या होता है आपको मालूम ही है, पेयर पे चलता है, लेफ्ट राइट अगर आप ज्वाइन करवाते हो तो आपका पेयर बनता है, इनकम उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ती है। तो आपको अपने दोस्त को क्या समझाना है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी प्लान में कितने आसानी से आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो ज्वाइन कराने के लिए अगर आपने ये फार्मूला यूज़ किया, तो दोस्तों आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला। बाइनरी मॉडल के लिए है ये मैट्रिक्स प्लान या जनरेशन के लिए नहीं है। तो दोस्तों, आपको अपने दोस्त को ये समझाना है कि अगर आप इस बिजनेस में जुड़ते हो
और आप पूरे 1 महीने में या फिर 30 दिन के अंदर केवल 2 लोगों को ही ज्वाइन करवा पाते हो। तो ये सिस्टम कैसे आगे काम करता है, तो जैसे आप उसको ये बोलो कि भाई तुमने 1 महीने में ज्वाइन किया और टोटल केवल 2 लोगों को ज्वाइन करवा पाए, और आगे यही सिलसिला चलता रहा, मतलब फरवरी में, मान लो जनवरी में आपने ज्वाइन किया, टोटल 2 लोग हुए, और फरवरी में जिन 2 को आपने ज्वाइन कराया उन्होंने भी आगे 2 को ज्वाइन कराया तो 4 लोग हो गए, फिर मार्च में उन 4 लोगों ने भी 2 लोग को ज्वाइन कराया तो 8 लोग हो गए, फिर अप्रैल में उन 8 लोगों ने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया 16 हो गए, फिर मई में 32, जून में 64, जुलाई में 128, अगस्त में 256, सितंबर में 512, अक्टूबर में 1024 और नवंबर में 2048, और दिसंबर होते होते टोटल नंबर ऑफ पीपल इन योर टीम विल बी 4096। तो दोस्तों दिस इज़ पोटेंशियल ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज़ पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कि अगर 1 महीने में केवल 2 लोग ज्वाइन किए और यही सिलसिला हर महीने चला तो 1 साल बाद आपकी 4096 लोगों की टीम हो सकती है। इसमें कोई भी अचंभे वाली बात नहीं, दिस इज़ सिंपल मैथमेटिक्स। तो दोस्तों आगे आइए, देखते हैं क्या समझाना है आपको अपने प्रोस्पेक्ट को। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना है कि देखो जी, एक एक साल बाद टोटल नंबर ऑफ पीपल हो गए 4096। अब ये देखते हैं कि टोटल पेयर कितने बनेंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 किया तो टोटल पेयर बने हमारे 2048। अब मान लो अगर आपकी कंपनी एक पेयर का 1,000 रुपये देती है, जैसे नेस्फिस में कंपनी 1,000 रुपये पर पेयर देती है, तो आप उसको ये बता सकते हो कि देखो जी, 1 साल बाद आपकी जो टोटल इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 20,48,000 रुपये, अगर हर एक इंसान 1 महीने में 2 लोग को ज्वाइन कराता है। अच्छा, इससे भी बुरा ले लेते हैं, चलो भाई आप केवल 1 महीने 2 लोग को नहीं ज्वाइन करवा सकते, मान लेते हैं गिरी से गिरी हालत में आप 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर केवल 1 लोगों को ज्वाइन करवा पाते हो, और आपकी टीम भी हर एक इंसान 1 महीने में केवल 1 लोग को ही ज्वाइन करवा पाता है, तो इसका आधा कर लो तो 1 साल बाद जो टोटल इनकम होगी वो हो जाएगी 10,24,000 रुपये, और पर मंथ अगर आप निकालोगे एवरेज तो ये बैठता है तकरीबन तकरीबन 85,333 रुपये पर मंथ, अपने नौकरी के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने स्टडी के साथ। तो दोस्तों अगर आप कामयाब हो गए अपने दोस्त को ये चीज़ समझाने में कि अगर वो 1 महीने में 2 लोग को ज्वाइन करवाता है और हर एक इंसान को यही चीज़ बताता है और हर एक इंसान 1 महीने में 2 लोग को ज्वाइन करता है, तो गेम बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग का पावर, यही रीज़न है कि बहुत कम टाइम में लोग लाखों रुपए कमा जाते हैं। आपको उसको ये एक पेपर पे लिख कर बताना है, क्योंकि जब आप पेपर से पेन पेन से पेपर पे लिखते हो तो वो चीज़ बिल्कुल सही से ही समझ में आती है। तो दोस्तों ये चीज़ फ़ोन पे नहीं बताना, ऐसे नहीं बताना, पेपर पेन का यूज़ करके बताना है, ज्वाइनिंग 100% आएगी। बहुत सारे लोगों को ये मैंने अपनी टीम में सिखाया और बहुत सारे लोग ऑन टेबल ज्वाइनिंग ले पाते हैं। तो दोस्तों ये था टॉपिक आज का, बाकी बाकी टॉपिक के साथ मैं आगे आपसे मिलूंगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, ब्रिजभूषण शर्मा, मिलता हूँ आपसे दोबारा।